हेलो बच्चों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में पता ही लग ही गया होगा कि हमारा आज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो आपको मैं फटाफट खुशखबरी दे दूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है इंटर के लिए वो बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो क्या है आवश्यक दिशा निर्देश, कैसे आपको एग्जाम के लिए जाना है, ये सारी बातें मैं वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि लाइव हिंदुस्तान के अखबार में छपी है, तो आप देख लीजिए इसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन दबाएं, धन्यवाद। देखिए ये लाइव हिंदुस्तान का आज का नोटिस है, तो इसके अंदर जो आवश्यक निर्देश दिए गए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2019 में भाग लेने वाले इंटरमीडिएट छात्रों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हां, आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। इसे जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। इसे आप यहां से bseb.registration.com एग्जाम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली में आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये आपके टीचर जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या आवश्यक निर्देश है वो आप पहले देख लीजिए। आपकी जो एग्जाम जो होगी वो सुबह 9:30 बजे से लेके दिन के 1:45 तक होगी। आपको परीक्षा भवन में जूता मोजा पहन के नहीं जाना है, बिल्कुल आप इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। आपको जूता मोजा पहन के एग्जाम के लिए नहीं जाना है, आप स्लीपर यानी कि चप्पल पहन के जाइएगा। इसके अलावा जो अगला नोटिस है वो आप देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ प्रवेश पत्र और पेन लेके जाना है। जी हाँ, आपको सिर्फ एक पेन लेके जाना है और आपका जो एडमिट कार्ड जो आपके टीचर उपलब्ध कराएंगे वो लेके जाना है। इसके अलावा कोई और चीज़ें लेके नहीं जानी है। इसके अलावा अगला जो नोटिस है वो है कि परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय परीक्षा के लिए एक ओमारशीट उत्तर पत्रक एवं एक सादी उत्तर पुस्तिका मिलेगी। इसके अतिरिक्त कोई उत्तर पुस्तिका या ओमार नहीं दी जाएगी। बिल्कुल आपको जो कॉपी जो दिया जाएगा वो सिर्फ एक ओमार कॉपी होगा और एक एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी जिस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो करने। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरी कॉपी फिल कर देनी है और फिर आप कहिए कि सर मुझे एक्स्ट्रा सीट चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए जब आप इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है जो कि आपको नहीं पता होगा, ये आपके प्रिंसिपल को पता होगा, तो वो यहाँ से आपको डाउनलोड करके दे देंगे। तो चलिए वीडियो में कुछ और भी खास है। देखिए जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे उनको पता नहीं होगा, उनके लिए बता दूं, बाकी स्टूडेंट को पता होगा कि हम अपने वेबसाइट से बिहार बोर्ड के तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं स्टडी मटेरियल होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग ये सारे स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा और भी किसी स्टूडेंट को कोई स्टडी मटेरियल चाहिएगा तो वो नीचे वीडियो में कमेंट कर देंगे, मैं उनको मेल कर दूंगा। लेकिन उन्हीं बच्चों को मैं डॉक्यूमेंट मेल कर पाऊंगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार, आपका दिन शुभ रहे।